डबरा उपचुनाव में मंत्री इमरती देवी और उनके कथित समधी कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के बीच का विवाद अब सामने आ गया है। सुरेश राजे ने साफ कहा कि वो इमरती देवी के समधी नहीं हैं। मंत्री इमरती देवी के उठपटांग बयानों के बाद अब डबरा के उपचुनाव में कथित समधी का मसला सबकी जुबान पर है। यह सवाल उठा है कि कौन समधी और कौन समधन। कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे को लेकर कहा था कि वो उनके समधी हैं और वो उनका टिकट वापस करवा देंगी या उन्हें बिठवा देंगी। सुरेश राजे ने इमरती देवी पर अब बड़ा हमला बोला है और कहा कि मेरे चुनाव न लड़ने के लिए उन्होंने कहा था कि वो हमारे समधी हैं, हम उन्हें मना लेंगे। सुरेश राजे कांग्रेस का सिपाही है, कौन समधी कौन समधन। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने समय से राजनीति में है, कभी उन्होंने अपने पति के साथ फोटो खिंचवाया? वे अभी भी पोस्टर बैनर में खुद को विधायक लिख रही हैं। नहीं, पहले तो इमरती देवी से ये पूछो कि काय के रिश्तेदार हैं, कौन सी बेटी मेरे बेटे को ब्याही है उनकी, या कौन सा मेरा बेटा उनकी बेटी को ब्याही है। पहले तो उन पे कोई बेटी है नहीं, और जो बेटी उन्होंने गोद ली है वो तो उसके चंद्रसेन के बेटे के लिए ब्याही है, बिट्टू के लिए अकबई, तो उनका कौन सा रिश्ता है मेरे को बताएं जरा। और राजनीति में ये रिश्ते नाते काम नहीं आते, राजनीति में तो सीधा जंग है। वो भाजपा से प्रत्याशी है, सुरेश राजे कांग्रेस से प्रत्याशी है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, पता नहीं, मैंने ये कहा कि पिछले कम से कम लगभग 15-20 साल से वो राजनीति में हैं, 3 चुनाव वो क्षेत्र में जीत चुकी हैं। कभी जैसे आज मेरे आजू बाजू मेरे अपने खुद के अपने मित्र या परिवार के लोग रहेंगे, निश्चित रूप से तो मेरे बारे में जानकारी होना चाहिए ना, बेटा कौन है, बिटिया कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी माँ या मेरे नाना कौन। लेकिन इनके पति देव के बारे में आज तक किसी ने प्रश्न ही नहीं किया आप बंधुओं ने। आखिरकार कभी पूछो तो उनसे कि आपके पति देव कौन है। आप जो सुरेश राजे को समधी के बाद में प्रचारित करती हो तो कभी पति के बारे में भी बोलो, एक आध फोटो बताओ कि ये मेरे ये पति देव हैं साहब। और आखिरकार पति तो परमेश्वर होता है, आप पूछो ना उनसे ये बात, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। वो कहती है ना 1,00,000 से जीतूंगी, बिल्कुल सत्य बोल रही हैं, उनके मन के उद्गार बोल रहे हैं, जनता उनको 1,00,000 से ही हराने जा रही है। अब सर वो तो बगैर विधायक के विधायक लेके घूम रही हैं क्षेत्र में, विधायक नहीं है तब भी होर्डिंग पे लिखवा दिया है डबरा विधायक, और इसलिए हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ डिप्टी CM क्यों, CM घोषित कर रहे हैं अपने आप को, क्या दिक्कत है इसमें। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने-बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।